मानव की पांचवी बॉडी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है बुद्धिक बॉडी। बुद्धिक एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है ज्ञानोदय यानी एनलाइटन। आत्मा को घेरने वाली पांच यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश के बाद ये सबसे अंतरतम कोश आनंदमय कोश होता है। बुद्धि आत्मा का वाहन है और कॉजल बॉडी बुद्धि का वाहन है, यानी कि बुद्धिक बॉडी कॉजल बॉडी और आत्मा के बीच का सेतु है। हेलेना ब्लेवस्की ने आत्मा, बुद्धि और मानस को स्पिरिचुअल सोल और सोल के रूप में कहा है, अर्थात हमारा स्पिरिचुअल सोल हमारी बुद्धिक बॉडी होती है। मन का कार्य रीजनिंग, जजमेंट, ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, ये सभी कुछ है। सरल भाषा में कहें तो सेंसेस के द्वारा जो भी देखी सुनी जाती है वो मन के द्वारा बुद्धि तक जाती है और फिर वो जीवात्मा तक जाती है और अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ये चीजें जानी जाती हैं। यानी कि बुद्धि के प्रकाश के द्वारा ही कोई भी चीज को हम देखकर पहचान सकते हैं, कोई भी चीज को हम याद कर सकते हैं। यूं कहें तो डेली लाइफ में जो भी हम करते हैं वो सभी इस बुद्धि के प्रकाश के कारण ही करते हैं। सामान्य व्यक्ति इसी बुद्धि के माध्यम से चीजों को देखता है, समझता है, उसे मेमोरी में रखता है और जानकारी इकट्ठी करते जाता है। समस्याओं से निपटने के लिए मेमोरी में एकत्रित अनुभव के द्वारा ही वो अपनी समस्याओं से डील करता है। जब बुद्धि बढ़ती जाती है यानी कि जानकारी बहुत इकट्ठी हो जाती है तो हम व्यक्ति को बुद्धिमान या मेधावी कहते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन और कई सारे वैज्ञानिक जिनकी बुद्धि की आईक्यू रेशियो बहुत ज्यादा है। पर यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के पास यदि बहुत नॉलेज हो तो उसमें विवेक बुद्धि भी आ जाए। यहाँ पर हम बुद्धिक बॉडी का अर्थ सामान्य बुद्धि के परे विवेक बुद्धि से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने इसे प्रज्ञा कहा है। बौद्ध धर्म में प्रज्ञाशील समाधि बुद्धत्व प्राप्ति के महत्वपूर्ण माध्यम है। शंकराचार्य ने भी प्रज्ञा को आवश्यक अंग माना है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से स्थित प्रज्ञ के लिए कहा, प्रज्ञा का अर्थ है जानना, विवेक बुद्धि यानी कि सत्य का ज्ञान, जैसी वस्तुएं हैं ठीक उसे उसी प्रकार से देखना, ये भेद कर पाना कि क्या नित्य है क्या अनित्य, क्या सत्य है क्या भ्रम। यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो इस नॉलेज का उपयोग परमाणु बम या हथियार बनाने के लिए भी कर सकता है, जिसका दुरुपयोग मानवता के विनाश के लिए कर सकता है। पर एक प्रज्ञाशील विवेक बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता जो उसके लिए, दूसरों के लिए हानिकारक हो। यानी बुद्धि विनाश का कारण भी बन सकती है। ऐसे ही एक सामान्य व्यक्ति जिसकी बुद्धि सामान्य है, यदि उसने बहुत ज्यादा धन वैभव कमा लिया तो वो अपने परिवार और अपने ऐशो आराम और दिखावे के लिए खर्च करेगा। पर एक विवेकशील व्यक्ति अपने पैसे का सदुपयोग समाज के लिए करेगा, यही विवेक बुद्धि है। एक स्वार्थी व्यक्ति बुद्धिक कॉन्शियसनेस लेवल से कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इस लेवल का सार पूर्ण सिंपैथी और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। इस प्रकार यह बुद्धि एक सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अनुभव के लेने का कार्य करती है और वही आध्यात्मिक ट्रुथ को जानने का भी उपकरण है। यह उसे जीवन के भ्रमों से अवगत कराती है, भ्रमों के पीछे छिपे हुए वास्तविकता और सच्चाइयों से रूबरू कराती है। यह इंट्यूशन या अंतरात्मा की आवाज के द्वारा होता है, अर्थात जो भी मन मस्तिष्क में नॉलेज है उसे कब, कहां और किस तरह से लागू करना है वह यह बुद्धि ही बताती है। कई लोगों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है पर बुद्धि नहीं होती कि उस नॉलेज का उपयोग कहां पर, किस समय, कितना करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि मन के द्वारा संचालित होती है। जितनी जानकारी वो इकट्ठी करते जाता है उसकी बुद्धि विकसित होते चली जाती है। पर ये बुद्धि कॉन्शियसनेस साधना के द्वारा विकसित होती है। जितनी ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति होते जाती है उसकी बुद्धि उतनी ही ज्यादा प्रकाशित होते जाती है और वह व्यक्ति डिवाइन विल के हारमोनी में जीने लगता है। एकता की भावना इसकी विशेषता है। सभी सीमाएं दूर होने लगती हैं, मनुष्य की चेतना एक्सपैंड हो जाती है
और वो अनुभव करता है कि वह समस्त प्राणियों की चेतना के एक साथ है और मानवता भाईचारा है और वह वास्तव में उस ब्रह्म का एक हिस्सा मात्र है। यद्यपि वह अभी भी स्वयं है, इंडिविजुअल है और उसकी चेतना उसकी अपनी है, फिर भी वह दूसरों की चेतना के साथ पूर्ण सिंपैथि में है। इस स्तर पर व्यक्ति दूसरों की मदद करने में खुद को समर्पित कर देता है। व्यक्ति इस स्तर पर कोई अलगाव यानी सेपरेशन नहीं देखता, उसे यूनिटी कॉन्शियसनेस का एहसास होता है। वह पाता है कि वह दिव्य जीवन में विलीन हो गया है। सबसे वह प्रेम का दृष्टिकोण से ही व्यवहार करता है, चाहे वे निम्न हो या उच्चतर। इस स्तर पर तत्वमसी की अनुभूति होती है, यानी तू वह है। जिस प्रकार कॉजल बॉडी का मुख्य तत्व ज्ञान है, उसी प्रकार इस चेतना का मुख्य तत्व आनंद और प्रेम है। इसीलिए इसे आनंदमय कोश कहा जाता है। आनंद जिसका शरीर और मन से कोई संबंध नहीं है, ये सर्वोच्च आनंद से बना है। इसे अंतरतम कोर माना जाता है। यह आत्मा के तीन दिव्य गुणों सत चित आनंद का प्रतिबिंब है। सत का अर्थ है सत्यता और शाश्वतता, चित्त का अर्थ है सचेत कॉन्शियसनेस। आनंद अपने आप में सदैव आनंदमय है। प्रसन्न रहने के लिए उसे किसी बाहरी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। एस्ट्रल बॉडी और बुद्धिक बॉडी के बीच घनिष्ठ संबंध है। यूं कह सकते हैं कि एस्ट्रल बॉडी बुद्धिक बॉडी का रिफ्लेक्शन है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मेंटल और कॉजल बॉडी को विकसित करे बगैर एस्ट्रल बॉडी बुद्धिक बॉडी से कनेक्ट हो सके। आत्मा को पर्सनैलिटी से कार्य करने के लिए बुद्धिक व्हीकल का उपयोग करना होता है, यानी आत्मिक चेतना और मानव चेतना के बीच कम्युनिकेशन चैनल का कार्य बुद्धि करती है। जैसा कि मैडम ब्लेवस्की ने कहा है कि बुद्धि उस चैनल को पहचानने की क्षमता है जिसके माध्यम से दिव्य ज्ञान कॉजल बॉडी तक पहुंचता है, जो अच्छे और बुरे की पहचान कराता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 1,00,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है और आपको एक मिक्सर ग्राइंडर चलाना हो, तो आप इसे डायरेक्ट नहीं चला सकते। इस इलेक्ट्रिसिटी को 240 वोल्ट तक कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी, इसीलिए ही ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। ठीक उसी तरह आत्मिक चेतना पर पाई जाने वाली क्षमता पर ऊर्जा को यदि सीधे कॉजल बॉडी में उतारना हो तो ये विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए सुरक्षित और उचित रूप से परिवर्तित करने के लिए बुद्धिक व्हीकल का उपयोग किया जाता है। योग प्रणाली में जागृत अवस्था में फिजिकल बॉडी, स्वप्न की अवस्था में एस्ट्रल बॉडी, गहरी नींद में मेंटल बॉडी और तूर्य यानी ट्रांस की अवस्था में बुद्धिक बॉडी संबंधित होती है, यानी सक्रिय होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विचिट वैगनर कई घंटों तक ट्रांस में रहे, फिर नॉर्मल कॉन्शियसनेस में लौटकर अद्भुत महान ओपेरा परसिवल की रचना की। बहुत से संगीतकार पेंटर्स इसी बुद्धिक व्हीकल से ही प्रेरणा पाकर अद्भुत रचनाएं करते हैं और आध्यात्मिक लोग इसी चेतना से प्रेरणा पाकर महान परोपकारी कार्य भी करते हैं। बुद्धिक प्लेन को रेल्म ऑफ ब्लिस और रेल्म ऑफ इंट्यूशन भी कहा जाता है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले आकांक्षियों के लिए इसका विकास आवश्यक हो जाता है। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखने के लिए कई स्वामी अपने नाम के अंत में आनंद शब्द को जोड़ देते हैं। इस बुद्धिक प्लेन की कार्यों और इसके वर्णन को करते समय एनी बेसेंट कहती हैं कि कोई भी शब्द इसे समझाने के लिए या इसका वर्णन करने के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। उसका वर्णन शब्दों से परे है, लेकिन लंबे समय तक धैर्य पूर्वक मेडिटेशन करने से व्यक्ति अपने अंतरतम केंद्र में हलचल पैदा कर सकता है, यानी इस बुद्धिक कॉन्शियसनेस का विकास करता है। आध्यात्मिक पुस्तकें, सज्जन सांगत्य, इन सब के द्वारा आप काफी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं जो आपकी मेंटल बॉडी को विकसित करते हैं। पर बुद्धिक कॉन्शियसनेस का विकास केवल साधना के द्वारा हो सकता है और अपने शरीर, मन और भावनाओं की शुद्धता के द्वारा भी इसका विकास होता है। जब बुद्धि भावनाओं के क्षेत्र से एस्ट्रल बॉडी के साथ काम करती है, तब स्पिरिचुअल लव का उदय होता है, जिसे भक्ति कहते हैं। जब पूर्ण समर्पण हो तो भक्ति मार्ग से भी बुद्धि का विकास हो सकता है। निस्वार्थ रूप से सेवा करना हमारे तीनों फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल बॉडी को प्यूरिफाई करता है। अर्थात निस्वार्थ सेवा करने से भी
बुद्धि विकसित होती है। ज्ञान मार्ग के द्वारा भी बुद्धि का विकास हो सकता है। जब व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन होता है, फिर चाहे वह कोई भी मार्ग अपनाए, चाहे वह ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो या ध्यान मार्ग हो, सभी से इसका विकास हो सकता है। बुद्धि कॉन्शियसनेस अपना गाइड इंट्यूशन के द्वारा करती है। ये इंट्यूशन कोई थॉट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं किए जाते, ये सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि ये ज्ञान उस तक कैसे पहुंचा। हो सकता है कि वो इस ज्ञान को दूसरों को देने में सक्षम न हो, पर वो अपने ज्ञान के प्रति निश्चित और सचेत रहता है। बहुत से संत और साधु जिन्होंने कोई बुक, शास्त्र, उपनिषद न पढ़े हों, पर वे भी जीवन की समस्याओं के प्रति ज्ञान रखते हैं और लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रेरित करते हैं। वे सभी इस बुद्धिक व्हीकल के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे वे किताबी ज्ञान या किसी टेक्नोलॉजी के बारे में न जानते हों, पर वे जीवन के मूल्यों और ब्रह्मांड रहस्यों के नियमों से परिचित रहते हैं। कहा जाता है पिंड में ब्रह्मांड है। यह बुद्धिक व्हीकल ही है जो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उन तक पहुंचाती है। अर्थात हमने अब समझ लिया कि यहाँ पर जब बुद्धिक व्हीकल की बात चल रही है, तब इसे विवेक बुद्धि यानी कि प्रज्ञा के रूप में समझना चाहिए। बुद्धि मन की विशेषता है और प्रज्ञा आत्मा का। बुद्धि का दायरा सीमित है और प्रज्ञा का दायरा असीम है। मन बुद्धि में जानकारी और नॉलेज देता है, जिसका उपयोग सिर्फ इसी दुनिया में होता है, पर प्रज्ञा आत्मा की शक्ति होने के कारण विवेकी हंस बनाती है, जिससे उसको इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी लाभ मिलता है। सामान्य बुद्धि जब विकसित होती है तो उसे बुद्धिमान और मेधावी कह सकते हैं, जबकि बुद्धिक व्हीकल जब विकसित होती है तब उसे ज्ञानी या प्रज्ञावान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली कड़ी में हम आत्मिक कॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे, जिसे पाना हम सभी का परम उद्देश्य है। थैंक यू।